सुस्वागतम सुस्वागतम। आज आप सभी भारत के विभिन्न राज्यों से हमें डिजिटल माध्यम से जुड़े हो। आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस अवसर को संपूर्ण रूप दिया है। आज कार्यक्रम का आयोजन हमारी राष्ट्रीय आजीविक प्रेस प्रबंधन संस्थान मालेगांव कर रही है, जो कि ICAR भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इस संस्थान को ऊंचाई तक पहुंचाने और सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए हमारे निदेशक महोदय, सभी वैज्ञानिक, तकनीकी सहायक, किसान भाइयों सभी ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं डॉक्टर गोरक्ष वाकचौरे आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अंत तक हमसे जुड़े रहेंगे। हृदय की गहराई से आप सभी का हमारे आज के वेबिनार चर्चा सत्र में ICAR निशन के और से मैं सबका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे संस्थान के निदेशक महोदय जी डॉक्टर हिमांशु पाठक साहब जी का, जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है। उनके साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर मधुकर पोद्दार सर, डॉक्टर गणेश करुणाकरण सर, डॉक्टर श्रीकांत कुलकर्णी सर, श्री राजेंद्र देशमुख जी और अजिंक्य तावरे जी का, जो कि प्रगतिशील किसानों के तौर पर जाने जाते हैं। इनके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा ड्रैगन फ्रूट खेती करने वाले सभी किसान भाई बहन तथा इस खेती में रुचि रखने वाले पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों से जुड़ने वाले सभी किसान भाई, उभरते हुए उद्योजक, छात्र, वैज्ञानिक जिनमें हमें ड्रैगन फ्रूट खेती का भविष्य दिखता है और इनमें से कुछ खेरे हम से मिल सकते हैं। ऐसे अलग अलग कॉलेज से जुड़ने वाले छात्र छात्राएं, उन्हें प्रेरित करने वाले उनके प्राध्यापक गण, इन सभी का इस एक दिवसीय चर्चा सत्र में तहे दिल से स्वागत है। हम सब ने ये मुहिम चलाई है कि आज किसान भाई जिन समस्या से घिरे हैं, उन्हें हम सब साथ जुड़कर समस्या हल कर सके। ज्यादा समय न गवाते हुए मैं आज के चर्चा सत्र के विषय पर कुछ भाष्य करना चाहूंगा। आज का जो विषय है ड्रैगन फ्रूट खेती में किसानों की समस्याएं, जैसे कि आप भी जानते हैं, भारत में बंजर, सूखे और शुष्क क्षेत्रों में खेती करना किसान भाई बहनों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। मौसम की बदलती दिशा और उनकी चुनौतियों का सामना करके इस खेती में बहुत किसान रुचि लेकर मुनाफा कमा रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरे पहलू की बात करें तो वर्तमान स्थितियों में किसान तथा उद्योजक कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं को विस्तार से समझने तथा उनका समाधान ढूंढकर किसानों की ड्रैगन फ्रूट में रुचि तथा लाभ बढ़ाने हेतु ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक ट्रेस मैनेजमेंट मालेगांव बारामती के निदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक साहब, डॉक्टर राणे सर तथा अन्य वैज्ञानिक गण के मार्गदर्शन से प्रोत्साहित होकर आज के वेबिनार चर्चा सत्र से जुड़ने का आयोजन किया गया है। कल करें सो आज करें सो आप, समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज के चर्चा सत्र के लक्ष्य को अधिकृत करना चाहूंगा। दिन निकला हर दिन जैसा, पर आज का दिन कुछ खास है। अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सबके भले की अरदास है। हमारा मुख्य लक्ष्य है ड्रैगन फ्रूट खेती की वर्तमान स्थिति को जानना और समझना, जिसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। हमारा दूसरा लक्ष्य है ड्रैगन फ्रूट खेती करने वाले किसानों की चुनौतियां तथा विचारों को जानना। हमारा तीसरा लक्ष्य है इस फसल के लिए आवश्यक अनुसंधान एवं नीति की सूची तैयार करना। जिनको सुनने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक सर जी से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत अपने विचारों से करें। गोरख जी, परम आदरणीय
वैज्ञानिकगण, देश के कोने कोने आए हुए हमारे छात्र बंधुओं, बाकी सब रिसर्चर्स और आज के सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे किसान भाई और बंधुओं, आप सबको मैं हिमांशु पाठक, राष्ट्रीय अजैविक स्ट्रेस अनुसंधान संस्थान बारामती महाराष्ट्र में हार्दिक स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब समय निकाल करके हमारे साथ आज सुबह जुड़े हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है ड्रैगन फ्रूट। इसकी समस्याएं क्या क्या है, इसकी खूबियां क्या क्या है और इस फल को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ऐसे तो नेचुरल क्रॉप है हमारे लिए, लेकिन इसकी डिमांड अगर अभी देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है और इसकी प्राइस जो कीमत वो भी अच्छा इस समय मिल रहा है। और इस बात को आप सबको जानना जरूरी है कि आज के दिन में भारत सरकार करीब 18,000 से 20,000 टन इस फल को दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हमारे जो लक्ष्य होना चाहिए कि इस इंपोर्ट जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं इसको बिल्कुल बंद करना है और आगे इसका पैदावार और इसकी गुणवत्ता ऐसे बढ़ानी है कि हम इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करें, इस इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है और इस इंपोर्ट को एक्सपोर्ट में बदलना है। और हमारे घरेलू जो डिमांड वो जैसे जैसे इस फल की पॉपुलरिटी बढ़ती जाएगी तो इसका डिमांड हमारे देश के अंदर भी अलग अलग प्रदेशों में इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा ज्यादा है, 6 से 7 लाख प्रति हेक्टेयर, लेकिन हम जो पिछले 6-7 साल से हमारे संस्थान में और हमारे किसान भाई बंधुओं के साथ जो हम इसके ऊपर हम विचार विमर्श कर रहे हैं, हमने ये पाया है कि 3 साल के आगे इसका जो है कि हमें फायदा होना शुरू हो गया। शुरू का पहला साल और दूसरे साल तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन तीसरा साल जैसे ही शुरू होगा तो आपने जितना लागत लगाए थे वो आगे बढ़ता जाए। इसकी जो एक इंटरकल्चर ऑपरेशन जिसको मैनेजमेंट कहते हैं इसके बहुत ही कम है, ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है और हमारा संस्थान जिस चीज के लिए जाना जाता है कि ये जो डिग्रेडेड लैंड है, अनुर्वर भूमि है, जो भूमि में कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ ना कुछ कमियां है, वहां भी इसको आप आराम से इसको उगा सकते हैं। ये ऐसे फसल है, ऐसे क्रॉप है जो एबायोटिक स्ट्रेस, अजैविक जो तनाव होते हैं उसको बड़े आसानी से सह सकते हैं और उसके बावजूद ये बहुत अच्छा पैदावार देते हैं। आज चूंकि इसका दाम ज्यादा है और हम विदेशों से इसको मंगाते हैं तो लोग तो इसको कहते हैं कि भाई ये अमीरों का फल है, रिच मैन्स फ्रूट, लेकिन इसको अमीरों का फल नहीं, इसको जो है कि हमें आम आदमी का फल बनाना है। तो अमीरों का फल से निकल करके इसको आम आदमी का फल हम बना सकते हैं और इसकी संभावनाएं प्रचुर है। अगर ऐसा हम कर पाए तो जो हम हमारे किसान बंधुओं का बात करते हैं, उनकी आमदनी बढ़ाने की बात हम करते हैं तो ये आराम से हम इसको संभव कर पाएंगे। अब इसकी खूबियां क्या क्या है, कई सारे चीज है, इसका कई सारे गुण है, कई सारे फायदे हैं। जैसे बहुत ही ज्यादा रिच एंटीऑक्सीडेंट है, डेयरी फार फाइबर इसमें ज्यादा होता है, विटामिन सी कंटेंट इसमें ज्यादा पाए जाते हैं, पोटेशियम कंटेंट इसमें ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में है उसको बर्न भी करता है, कम भी करता है। ये हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है और त्वचा और कई सारे फ्रूट के अंदर हमें मिलता है। इसीलिए कुछ चिकित्सकों ने इसको आरोग्य मणि कहते हैं कि आरोग्य, अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो इस फल का आहार आपको अवश्य करना चाहिए। आज के दिन में अगर बाजार में देखें हमारे देश में भी और ज्यादातर देशों में
कई तरह का पैदावार, कई तरह का प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स जो है कि इस फल से लोग बाग बना रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आमदनी इससे वो उठा रहे हैं। हमारे देश में अगर देखें तो हम ये पाते हैं कि जनरली जो रेड स्क्रीन और व्हाइट फ्लेस वाला उसी का प्रोडक्शन हम ज्यादा करते हैं, करीब 93%। उसके बाद दूसरे नंबर पे बहुत ही कम मात्रा में जो है कि रेड स्किन और रेड फ्लेस वाले करते हैं, और जो येलो स्किन और व्हाइट फ्लेस वाले हैं जो ज्यादा मिठास जिसमें है कहते हैं, उसका पैदावार हम लगभग ना के बराबर करते हैं, 1% से भी नीचे होता है। लेकिन हम आगे का जो शोध करने वाले हैं कि इसका गुणवत्ता, इसका मिठास कैसे बढ़ाया जाए, साथ साथ इसका पैदावार भी कैसे बढ़ाया जाए। आज अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो हम ये पाते हैं कि वियतनाम दुनिया में सबसे ज्यादा 95% का दुनिया का जो पैदावार है वो वियतनाम में होता है, और व्हाइट फ्लेस वाला होता है। करीब 50,000 हेक्टेयर एरिया में वो इसकी खेती करते हैं, और उसकी पैदावार जो है कि 22 टन प्रति हेक्टेयर से भी ज्यादा, आप समझ सकते हैं कितना पैदावार देते हैं। दूसरे जो अन्य देश हैं, चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, भारत भी है, लेकिन हम बहुत कम एरिया में लगभग 400 हेक्टेयर के आसपास अभी कर रहे हैं। लेकिन मुझे जैसे पता चल रहा है कि बड़े तेजी से इसके एरिया बढ़ता चला जा रहा है, और मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले 5-7 साल में बहुत ही ज्यादा एरिया भारत में भी इसके अंडर में आ जाए। भारत में अगर अलग अलग प्रदेशों का हम बात करें तो कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं कहीं इसकी फसल होता है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी तो केवल गिने चुने कई राज्य में आप देख रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है कि बाकी राज्यों में भी, बाकी प्रदेशों में भी ये फैल रहा है। अब मैंने खुफिया तीन का बताया कि बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे गुण इसके अंदर है, किसान इससे लाभ भी उठा सकते हैं, उठा भी रहे हैं, लेकिन कई सारे कॉन्स्टेंट्स, कई सारे कमियां, कई सारे तकलीफ भी आज भी ड्रैगन फ्रूट के खाद खेती के लिए खास करके हमें मिलता है। एक तो जो प्रॉब्लम में से है कि वो फ्लायर और फ्रूट ड्रॉपिंग गिर जाता है, फ्रूट साइज जो है कि छोटा होना शुरू हो जाता है कुछ सालों के बाद या 1-2 फ्लशिंग के बाद, फ्रूट जो है कि येलिंग पीलापन आ जाता है उसमें, कैनोपी का कई सारी बीमारियां आ जाती हैं, फ्रूट का भी कई सारे डिसऑर्डर आ जाते हैं, उसका शेप बदल जाता है, इंसेक्ट अटैक ये बहुत बड़ा समस्या आज के दिन में हमें देखने को मिल रहा है, सन बर्निंग गर्मी के समय बहुत हाई टेम्परेचर में कहीं कहीं मार्केटिंग भी तुरंत नहीं हो पा रहा है, और एबायोटिक स्ट्रेस अजैविक तनाव जिसको हम कहते हैं, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे मिट्टी से संबंधित हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट से संबंधित हो, इसका भी कई सारे चीजों का अभी भी ऑप्टिमाइजेशन, इसको बिल्कुल सही मात्रा में कब देना है, कैसे देना है, कितने देना है, ये सारा जो है कि अभी भी करना बाकी है। और एक चीज हम देख रहे हैं कि जैसे केवल एक, आप लोग सब जानते होंगे कि एक रात की फ्लावरिंग है, उस रात में अगर कहीं कुछ बरसात वरसात या और कुछ हो गया तब जो है कि पोलिनेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, पैदावार घट जाता है और कई सारे मुश्किलें इसके साथ आना शुरू हो जाती है। ये तो मात्र कुछ मैंने बताया, इसके आगे भी और भी कई सारे समस्याएं इस फल के साथ आज भी हमें देखने को मिल रहा है, और इन्हीं सब के ऊपर हमारे संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, हम पिछले 6-7 सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ चीजों को जो है कि हम इसका समाधान कर पाए हैं, जो मैंने समस्याएं बताया आपके सामने, कुछ समस्याएं आज भी हमारे साथ हैं, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आप सब मिल करके जितनी भी समस्याएं इस फल के साथ है उसको दूर करें। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो ऑर्चर्ड है काफी अच्छा दिख रहा है, लेकिन कमियां भी कहीं ना कहीं इसके अंदर है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए आज जो है कि आज एक वेबिनार का हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आप सबके साथ मिल करके हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आज के दिन में ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन की भारत में इसकी स्टेटस क्या है, कहाँ ग्रो हो रहा है, क्यों हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है वहां क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा हम इसके ऊपर भी करेंगे कि इसकी कॉन्स्टेंट क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या है, ताकि इसका समाधान हम ढूंढ पाए। हो सकते हैं आज हमारे साथ जो
बड़े गण्य मान्य व्यक्ति हैं जो इसके ऊपर बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं, बहुत अच्छा अनुभव है रिसर्च के ऊपर, वो आपके सामने इसका कुछ समाधान भी बताएंगे। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि आज के चर्चा के बाद जितना समस्या का समाधान हमारे सामने आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आज के चर्चा में से हम इसका भी खोज करेंगे कि इसमें रिसर्च क्या क्या करने की जरूरत है, क्या क्या समस्या है, उस समस्या को अगर निदान करना चाहते हैं, इसका समाधान पाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, और अंत में हम सलाह आप सबसे इसके ऊपर भी लेंगे कि अगर इस फल को, ड्रैगन फ्रूट को आगे बढ़ाना है तो किस तरह का पॉलिसी की जरूरत है, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे केंद्रीय सरकार से हो, चाहे हमारे जो देश के या विदेशों के जो संस्थान जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए हो, या किसान बंधुओं के लिए हो जो इसके खेती कर रहे हैं और जिसके पास इस फल के बारे में काफी ज्यादा अनुभव है, तो सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हम सबको अनुरोध किया है कि आज हमारे साथ आए और सब मिलकर बैठकर इसके ऊपर चर्चा करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे जो कन्वेनर हैं डॉक्टर गोरख चौहान साहब जो अभी आपके सामने उनका वक्तव्य रख रहे थे, और हमारे को कन्वेनर्स डॉक्टर कमलेश मीना जी हैं और महेश कुमार जी हैं, और इसके साथ साथ हमारे संस्थान के बाकी सभी स्टाफ, सारे वैज्ञानिक, टेक्निकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, सब मिल करके इस फसल को, इस फल को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरा खास धन्यवाद आज के जो स्पीकर्स हैं, जो लोग आपके सामने आपका अपना विचार, अपना अनुभव रखने जा रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आज समय निकाला हमारे लिए, हमारे किसान भाई बंधुओं के लिए, हमारे स्टूडेंट फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए। सो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका, आप एक एक का हमारे संस्थान में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ड्रैगन फ्रूट के साथ जुड़ने के लिए आप सबको मैं अभिनंदन भी करता हूँ। हमें उम्मीद है कि आज का चर्चा जो हम शुरू कर रहे हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, वो जितने भी समस्या है इस फल के साथ उसका समाधान हम जरूर ढूंढ पाएंगे। आगे भी हमारे संस्थान इसके ऊपर रिसर्च जारी रखेगा और आने वाले समय में अगले 3-4 साल के अंदर मैंने जो कह के शुरू किया कि ये फल जो है कि भविष्य के एक सुपर फल बन सकता है, एक सुपर फ्रूट बन सकता है, और अमीर लोगों के लिए नहीं, एक आम लोगों के लिए भी ये फल कारगर तक पहुंचेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर फॉर योर नाइस रिमार्क्स। मैं आप डॉक्टर मीना से निवेदन करता हूँ कि वो आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से शुरू करे। धन्यवाद गुरुक्षी, एंड मैं इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी वैज्ञानिक छात्रों और किसान भाइयों का स्वागत करते हुए अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कड़ी में हमने जो ड्रैगन फल की खेती में महारत रखने वाले कुछ वक्ताओं का सिलेक्शन किया है, जिन्होंने हमारा रिक्वेस्ट भी स्वीकार किया है और वो आज हमारे साथ यहाँ है। सो किसी भी वैज्ञानिक गोष्ठी और मीटिंग का सक्सेस उनके जो वक्ताओं की कुशलता का ही असर होता है। तो मैं अभी टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए हमारे एक एक वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहूंगा, और उससे पहले मैं आमंत्रित करूं, सबसे पहले मैं डॉक्टर मधुकर पोद्दार जी से निवेदन करना चाहूंगा। लेकिन उनसे आमंत्रित करने से पहले उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। डॉक्टर मधुकर पोद्दार जी ड्रैगन फल के अलावा खजूर, चंदन और इससे अलावा और भी तमाम औषधीय व सुगंधित पौधों की खेती के लिए एक कुशल सलाहकार, कृषि वैज्ञानिक के रूप में पहचाने जाते हैं। इन्होंने
अपनी पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से प्राप्त की है। डॉक्टर मधुकर जी एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनॉमी जो कि महाराष्ट्र के प्रवीण कृषि विश्वविद्यालय में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में भी पोद्दार जी अपना अहम योगदान अदा कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ पोद्दार जी बहुत सारे निजी संगठनों में एक प्रमुख कृषिविद और निदेशक की विभिन्न क्षमताओं के रूप में अपना अमूल्य योगदान दे चुके हैं। इसके साथ ही मैं अभी डॉक्टर पोद्दार साहब से निवेदन करता हूं कि प्लीज आप अपना व्यक्तित्व स्टार्ट करें। पोद्दार सर। हेलो। यस सर, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके, या थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच। मेरा जो विषय है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का, किसानों के ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग से किसानों का उत्पादन डबल कैसा होता है जो ड्राई और डॉट को नहीं है महाराष्ट्र में। प्रथम आईसीआर न्यासम बारामती महाराष्ट्र एंड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर हिमांशु पाठक डायरेक्टर साहब, गोरक्षा वाक्चुरे सीनियर साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत मेहनत ली ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए, सभी स्पीकर जो आज के सभी पार्टिसिपेंट्स है, यहाँ किसान भाई है, साइंटिस्ट है, स्टूडेंट्स है, बिजनेसमैन है, ये सब सबके लिए मैं मुझे मौका देने दिया इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। ड्रैगन फ्रूट, मेरा परिचय ड्रैगन फ्रूट का 2009 में सिंगापुर में हुआ, जहां मैं पहली बार से एक फ्रूट देखा और टेस्ट किया। उसके बाद में से हमें इसके ऊपर सर्च करना शुरू किया। ड्रैगन फ्रूट अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसको कैक्टस फैमिली कहा है, इसको पिताया बोलते हैं, क्वीना नाइट बोलते हैं, नोबल वुमन, एंड ये जो है क्लाइंबर है, वे लोयली तरफ है। सॉरी सर टू इंटरप्ट यू सर, प्लीज मेक इन प्रेजेंटेशन मोर सर। या ओके। कैन यू सर क्लिक ऑन रिज्यूम स्लाइड शो, वन स्मॉल विंडो इज देयर सर ऑन योर टाइटल ऑफ योर स्लाइड। ओके हाँ, यस सर नाउ इट इज ओके। ये ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस फैमिली का है, जिसको हम इसको पिताया बोल सकते, पिताया बोलते, क्वीन ऑफ नाइट बोलते, नोबल वुमन, एक क्लाइंबर वैली जैसा ये है ऑर्नामेंटल के लिए और फ्रूट के लिए। इसमें काफी स्पीशीज है, ये दो स्पीशीज जो है इसमें कमर्शियल वैल्यू है। ये क्लाइंबर है और इसके लिए इसको सपोर्ट की जरूरत है। और एक ये जो इसका फूल बहुत ही सुंदर है, जिसने ये फूल देखा उसका सुगंध लिया और ये फल देखा, फल का जो आपने टेस्ट किया, तो आपका एक मोस्ट फेवरेट क्रॉप बन जाएगा और ऐसा एक महत्वपूर्ण नया क्रॉप है। इसके अलग अलग स्पीशीज है, इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अभी हमारे पाठक साहब ने आपकी बताया
ये कम से कम 100 के ऊपर उसकी वैरायटीज है, ये पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाता है अलग अलग। इसका फूल देखिए और इसका रूटिंग सिस्टम देखिए, जितना भी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, अच्छा जमीन में ऑर्गेनिक मैटर इस बोलते कि 3% कम से कम ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, तो इसमें ड्रैगन फ्रूट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। और मैंने इसको नाम दिया है ये क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप। हम आप बात कर रहे हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये फॉर्चुनेटली ये क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप है, एक कैंप फोटोसिंथेसिस है। इसका मतलब है अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं उसमें अनाज करने का तरीका अलग अलग होता है। इसमें एक C3 होता है, C4 होता है और कैम होता है। और ये जितने भी कैम कैम मीन्स कैक्टस है, अगेव है, एलोवेरा है, ये सभी ड्राउट टॉलरेंट है। मीन्स कौन से ही परिस्थिति में ये कैम क्या होता है कि रात में भी इसका जो पोर्स होते हैं स्टोमेट्स होते हैं, इसमें स्टोमेटा ओपन होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात में और ऑक्सीजन देते हैं। ये ऐसे क्रॉप है कि रात में ऑक्सीजन देने वाले ये क्रॉप है और कार्बन लेने वाले। और ये कार्बन जो है कार्बन ऑक्साइड जो है वो एसिड्स में वैक्यूल में स्टोर होता है और डे टाइम में जब लाइट आ जाता है क्लोरोफिल और कार्बन और सोलर एनर्जी, इसके बाद में अनाज बन जाता है। तो ये एक क्रॉप, ये क्रॉप के ऊपर जो देख रहे हैं इसकी, इसके ऊपर बहुत से कांटे होते हैं और इस वैक्सीन होता है, इसलिए इसमें पानी का जो है बहुत कम पानी में होता है। ये स्मार्ट क्रॉप बोल रहे हैं, स्मार्ट एस मीन्स सुपर फ्रूट विथ हायर न्यूट्रिशन वैल्यू, जो हमारे पाठक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये मीन्स मिरेकल क्रॉप विथ मल्टीपल मेडिसिनल वैल्यू, मैंने जो पढ़ाया नेट पे 17 के ऊपर, 17 से ऊपर इसमें मेडिकल बेनिफिट है, मेजर आपने पहले साइड में देखा है। ये क्रॉप ऐसा है कि कहाँ भी अडॉप्ट हो सकता है अंडर वाइट सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जो ये जो है जहाँ कुछ नहीं होता है ये क्रॉप हो जाता है। ये क्रॉप है आर मीन्स रेमुनरेटिव हाई मार्केट वैल्यू, इसका रेट काफी बढ़ रहा है क्योंकि इसकी नया जो क्रॉप है, लेकिन ये COVID-19 की सिचुएशन में क्योंकि ये ह्यूमिडिटी होता है और हर गांव में मैं जब भी किसानों के साथ में रहता हूं तो विलेजर जो है उसको पसंद करते हैं और ये टेंशन फ्री क्रॉप है। आपने एक बार लगा दिया 20 से 30 साल तक आपको देखना नहीं, काफी हार्वेस्ट करना है और इसकी मैनेजमेंट जो है बहुत कम है। ये ड्रैगन फ्रूट कहाँ का होता है, कैबी का एक यूके का एक सोसा है जिन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन का कहाँ का होता है, ये कंट्रीज है जहाँ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, और ये इंडिया अपना भारत है, यहाँ श्रीलंका नीचे है, भारत में उसका नाम लेके भारत में एरिया बहुत कम है, लेकिन आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है, फिर बाद में साउथ अफ्रीका है, ये अफ्रीका अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। और ये जो मेजर जो सबसे वर्ल्ड में ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला वियतनाम जो कंट्री है, उसके बाद में चाइना है, वियतनाम में 50,000 हेक्टर के ऊपर इसकी कल्टिवेशन होता है, उसके बाद में चाइना में बढ़ रहा है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, इंडिया में तो काफी बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इसराइल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, मेक्सिको, ये मेजर कंट्रीज है जहाँ इसका कल्टिवेशन होता है और उसका मार्केट बहुत बड़ा है। ये एक ड्रैगन फ्रूट का मैंने एक एस्टिमेट किया, जो मैंने कुछ मेरे किसानों के साथ में, जो मेरे दोस्त लोग है, साइंटिस्ट है और कुछ कल्टिवेट कर रहा है, ऐसे में ये 2020 में ये कितना इंडिया में, क्योंकि डेटा ही नहीं है अपने पास, अनफॉर्चुनेटली ये क्रॉप जो है ICAR ने रिकॉग्नाइज किया, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, तो इसके ऊपर सर्वे में नहीं होता, लेकिन एक एस्टिमेट है, कुछ बेस है, एक मैंने जो लिया है कि आंध्र प्रदेश में 300 एकर्स, तेलंगाना में 200, तमिलनाडु में 300, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में करीब तक 500, कर्नाटक में 300, गुजरात में सबसे ज्यादा है और रफली 5,000 के ऊपर, ऐसा एक एस्टिमेट है
इसमें कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक एस्टिमेट है और इसको वेरीफाई हम करके रिफाई। ड्रैगन फ्रूट के फार्मर्स बहुत इनोवेटिव फार्मर्स है भारत में। ड्रैगन फ्रूट जिसने लाया वो अपने इनोवेटिव फार्मर्स ही है। पहले जो मेरी पहली मुलाकात थी किरीट भाई जोशीपुर के लायसा कच्छ में है, उनके पास 14 वैरायटी है। जब मैं कच्छ में काम कर रहा था 2013, ये जो एनआरआई है काफी वर्ल्ड में घूमते हैं और उसके बाद में उनका एक शौक है कि जहां भी जाता है फ्रूट मिले तो वैरायटी लाके सीड या कटिंग लाके उसका टेस्ट करके उन्होंने एक म्यूजियम बनाया है। कमर्शियल प्रोडक्शन अभी तक नहीं दिया लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन किया है इन्होंने। एक कच्छ के बारे में आप जानते हो कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और सब सलाइन और ड्राउट है। कच्छ में बारिश होना बोले तो ऐसा बारिश है नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बारिश होता ही नहीं है वहां। तो होता है तो बहुत कम होता है, हर 5 साल में 1 साल तो ड्राउट होता है। ये साल में जो क्लाइमेट चेंज है सबसे ज्यादा बारिश 1000 मिलीमीटर और वहां फ्लडिंग हो गया। लेकिन यहाँ का जो सॉइल है काफी सलाइन है, पानी की क्वालिटी है 3000, 5000 और 10000 डीडीएस तक है। और ऐसे में भी हमने इनका 5 एकड़ जो फार्म है इन्होंने आरओ प्लांट लगा के उन्होंने कंटिन्यू किया। मेरे दूसरे जो दोस्त है जो 2014 में ऑस्ट्रेलिया से आ गए, मैं एग्रोसेल और एक्सेल इंडस्ट्री का जो संस्था है उधर मांडवी में, वहां मैं काम कर रहा था और हमारा सर्विस सेंटर था। तो पहले मुझे मिलने से विशाल भाई आए और उन्होंने पहले 15 एकड़ में लगाना शुरू किया है। मेरे ख्याल से उसी टाइम में जो सबसे ज्यादा बड़ा फार्म मैंने देखा है। उस पोल बनाने का तरीका उन्होंने सब सीडलिंग लाया लगाना मैंने पहले से दिया है और टेक्निकल जो भी डिफिकल्टी फाइनलिस जो भी दिक्कत उनको आती थी मैंने उनको मदद करने की। अभी उनके पास 100 एकड़ का फार्म है। अभी उनके पास 2 वैरायटी है कमर्शियल फार्म है और उन्होंने कम से कम 250 एकड़ में सर्विस दिया है उनके अंडर में। दूसरे जो है रिसेंटली मैं इनका नाम बहुत सुन रहा हूँ, डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी साहब हैदराबाद के डॉक्टर है और उनका जो डेक्कन एग्जॉप्टिस बोल के मैं अभी 2 महीने पहले 1.5 महीना पहले मैं हैदराबाद उनको मिलने के लिए गया था। उन्होंने बताया कि उनके पास काफी वैरायटी है और वो उसको 150 वैरायटीज वो अलग अलग तरीके से बहुत 9-10 कंट्री विजिट करके उन्होंने लाया है, अलग अलग कमिटी में है और उनके पास 3 कमर्शियल वैरायटीज है और जो अभी जो बोलते सी वैरायटी जो अच्छी है और देखने में अच्छा उत्पादन उन्होंने बनाया। और छोटे फार्मर में जो मेरी मुलाकात होगी सत्यवान पवार है खानापुर सांगली के है। 2017 में 1 एकड़ लगाया ड्रैगन फ्रूट और इन्होंने एक अच्छा काम किया, ड्रैगन फ्रूट ग्रोस का FB ग्रुप बनाया और एडमिन आया और उसने उसके काफी मेंबर है और काफी टेक्निकल जानकारी और शेयरिंग हो जाता है और उससे काफी नॉलेज मिल जाता है। दूसरे मेरे एक दोस्त है स्मॉल फार्मर है गोविंद, उनके पास भी एक एकड़ में लगाया ड्रैगन फ्रूट एंड ड्रमस्टिक इंटरक्रॉपिंग लिया है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग से उनको कम से कम 1 एकड़ में 1.5 लाख मिला लेकिन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन बहुत कमाला। अभी उन्होंने निकाला है ड्रमस्टिक और अभी उत्पादन शुरू किया था, अभी तक कम से कम एक टन तो आ जाएगा तो ज्यादा आना चाहिए। दूसरे जो प्रदीप पाटिल जो है सांगली के, उनके पास जो उन्होंने 2015 में 7.5 एकड़ में के है। अनिल भाई सालूम के है जो सांगोला के है, उन्होंने उनके पास 2 एकड़ था 14 एकड़ भी है। और आज के राजेंद्र भाई राजेंद्र देशमुख वार्षिक जो है वो अभी प्रेजेंट भी आज के स्पीकर है, उनका मैं अभी फोटोज वगैरह देखा वीडियोस देखा 2012 में क्या है वो अलग अलग तरफ से जो थाईलैंड की जो क्रॉप है कस्टर्ड एप्पल है डेट पाम है इसका इंटरक्रॉपिंग करते हैं। दूसरे जो आज के स्पीकर है अजिंक के थावरे मालेगांव के, 2008 में उन्होंने शुगर गेन के अल्टरनेटिव खराब उनके ड्रैगन फ्रूट के ना उन्हें काफी प्रॉफिट होता है सर। दूसरे जो महेश सांगोला जो MTech है फूड साइंस में सोलापुर के, और अभी एक रिसेंट है जो लॉकडाउन में मेरे रिलेटिव प्रोफेसर होता है लातूर में ज्ञान प्रबोधिनी बोल के चलाते हैं और उन्हें अभी इंटरेस्ट लिया फार्मिंग में और अभी 1 एकड़ अभी बोल के गाँव लातूर के नजदीक है अभी लगाया
और कम जमीन जो है कंप्लीट वेस्टलैंड है। ये जो विशाल गढ़ा जो लेफ्ट साइड के इनका जो अरुज एग्रो प्रोडक्ट्स इनका जो प्रोडक्शन भी अच्छा है और मार्केटिंग भी बहुत तगड़ा है। ये बॉम्बे में होम डिलीवरी करते हैं और रेट भी अच्छा कमाते हैं, उनका ब्रांड भी है। ये है डॉक्टर रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी है हैदराबाद के और मैं विजिट कर रहा था। ये देखो सी वैरायटी का जो ग्रोथ है और बाद में एयरफोर्स के कुछ विजिटर आए थे तो डेली उनके पास विजिट आते हैं और फार्म काफी अच्छा है। लेकिन ये साल में ज्यादा बारिश होने से और ये अपना लॉकडाउन वजह से लेबर नहीं मिलने से वीडिंग का इतना हेवी प्रॉब्लम है और काफी इनका नर्सरी जो है काफी नुकसान हुआ है। दूसरे जो है कि नाटे रोहित सरोज से जो मैंने जो बात किया इनका एक एकड़ का एक भरोसा बिल्कुल छोटा गाँव है। उन्होंने अभी आईटी में काम करते हैं लेकिन इनका काफी इंटरेस्ट है, उन्होंने अलग अलग तरीके से क्रॉप लिया है। ये जो कंप्लीट वेस्टलैंड था लेकिन इनका 6 एकड़ का है और बाकी कम से कम 40 एकड़ का क्रॉप है। लेकिन अभी रिसेंटली अभी ये खाली पत्थर है उसमें लगाए है और अभी अभी ग्रोथ हो रहे हैं, अभी लेबर नहीं मिल रहे थे इसको दूसरी मैनेजमेंट मट्टी लगाना और करना है। अभी ड्रैगन कंस्ट्रेंट जो है अपने पास हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है, पुअर क्वालिटी सैपलिंग्स प्लांट है, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो स्टैंडर्ड नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रक्चर नहीं, गवर्नमेंट का सपोर्ट पॉलिसी नहीं है, टावर पॉलिनेशन का पाला है, वेरिएबल फूड साइज है, पेस्ट में एफिड्स मिलीबग स्नेल्स एंड फंगल बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल की पॉसिबिलिटी है, फर्टिलिटी पुअर, माइक्रोग्रिड है और बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज रेनफॉल एक्सट्रीम रेनफॉल टेम्परेचर फ्लावर का और अभी पहले स्पीकर ने बताया प्रोडक्शन पीरियड 405 मंथ में होता है और मार्केटिंग नेटवर्क प्राइसिंग इज अनस्टेबल लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी लैक ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हीट स्ट्रेस सनबर्न पुअर ग्रोथ वीड मैनेजमेंट बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, लेबर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है और लेबर ही है, पुअर रिसर्च एंड टेक्निकल सपोर्ट अभी थोड़ा सा आईसीआर में रिसर्च हो रहा है। ड्रैगन का रिसर्च इन इंडिया आईसीआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में हो रहा है, कर्नाटक में ये फोर्ट ब्लेयर में आईसीआर का एक सेंटर है। ये जो अभी जो एनआईएम जो है बारामती में काफी अच्छा काम करे, राहुरी में मैं सुना कि वो भी थोड़ा सा कर रहे और ये जो है मैं अभी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैंपस में हूँ। ये यहाँ का ये सीन है, यहाँ पानी तो बहुत होता है 700-800 लेकिन पत्थर है लेकिन एक किसी में क्या करना है, खाली किसी में हो सकता है। अभी सीताफल वगैरह हम लगा रहे लेकिन ये जो एरिया जो है अभी यहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का एक डिसाइड किया है और उसके ऊपर अभी नर्सरी बनाया है। देन सीसी श्रॉफ रिसर्च इंस्टीट्यूट मैं वहाँ था, इसका पूरा एस्टेब्लिशमेंट मांडवी में किया है, वहाँ भी काफी है। ये फार्मर्स में विशालगढ़ है जोशी राजेंद्र इसमें ये जो और काफी और भी होंगे इसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर हाई यील्ड्स एंड क्वालिटी। ये अच्छी जमीन होना चाहिए, कौन सी जमीन में आता है लेकिन जमीन जहाँ अच्छा ड्रेनेज है रिच इन ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा सा स्लाइट क्लाइमेट ड्राई चलेगा टेम्परेचर 30 तक और एक्सट्रीम है तो 40 तक है, ज्यादा है तो प्रॉब्लम आता है। रेनफॉल रिक्वायर्ड कितना है, वैरायटीज अपने पास रेड पिंक और व्हाइट और येलो, प्लांटिंग 3x3 मीटर में 4 प्लांट्स पर फ्लोर, ट्रेली सीमेंट और आयरन, इरिगेशन जनरली ड्रिप, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, फ्लावरिंग ये फ्लावर रात में होता है तो इसलिए पॉलिनेशन इसमें हनीबीज की जरूरत है, वो सेवारे का फ्लड फ्रूट का साइज बराबर नहीं होता और फ्रूट ड्रॉप हो जाता है क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होता तो हनीबी की बहुत जरूरत है। अभी सर्टिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि ये जो हम अभी ऑर्गेनिक और क्या ये दोनों भी सिस्टम अवेलेबल है दूसरे क्रॉप में जैसा ग्रेप्स में है तो हम इसमें अभी से इंट्रोड्यूस करेंगे तो आगे हमें एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं हो जाएंगी। ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वो भी मैनेज कर सकते,
हार्वेस्टिंग के भी प्रॉब्लम है, ग्रेडिंग है, ब्रांडिंग है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ये जो ट्रेलर सिस्टम हो रहा है, ये जो खड़ोसे का फार्मा, इन्होंने ये सीमेंट पोल है, ये तीसरा साल है इसमें, लेकिन अंदर अंदर जो है काफी ट्रैक्टर से मूवमेंट हो सकता है। और ये जो इसके ऊपर अलग अलग सिस्टम जो मेटल का लगा सकते हैं, मेटल का पोल लगा सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यहाँ सॉइल एंड वाटर एनालिसिस बहुत जरूरत है। इसकी क्या कम है, क्योंकि क्वालिटी और साइज होना, यील्ड और क्वालिटी होना, तो आपको कितना पानी का टीडेस है, सॉइल का पीएच कितना है, और ज्यादा ज्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, क्योंकि कैक्टस है इसमें कम से कम एनपीके का, पर्टिकुलर यूरिया का, ग्रीन मैन्यूर जैसा ढेंचा है। इंटरक्रॉपिंग करने से मैंने देखा कुछ किसान इंटरक्रॉपिंग वेजिटेबल करते, इससे अच्छा है कि ढेंचा से क्रॉप लगे तो वीड कंट्रोल भी हो जाएगा और सॉइल फ्रेंडली बन जाएगा। यूजुअली अभी इसमें तो ड्रिप इरिगेशन है, इरिगेशन इसमें वाटर सोल्यूशन बहुत से अपने पास है, बायो फर्टिलाइजर है, फोलियर स्प्रेस पंचिंगा वैज ऐसा है, मल्चिंग ऑर्गेनिक प्लास्टिक है। एक किसी के में छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है डोसेस, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन है वहाँ का और अपने महाराष्ट्र के लिए अलग अलग होता है। ये विशाल गढ़ा का फार्म है, यहाँ एक इंट्रोड्यूस किया है मैंने कि ये अगेती बोल के है, अगेती सस्वेनिया, इससे शेड और फर्टिलिटी मैनेज होता है और क्विक एस्टेब्लिश होता है। इसमें बहुत से फ्लावर होता है तो बर्ड आ जाते और हनी बीज आ जाते, इससे पॉलिनेशन हो जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम था टर्माइट का, तो ये जो ग्रास लगा है विटीवर उसको बोलते हैं, तो विटीवर से टर्माइट नहीं होता, और बाद में विटीवर कट करके आप इसका मल्चिंग कर सकते हैं, और बाद में विटीवर बहुत एक्सलेंट कैटल फीड भी हो सकता है। तो ये टाइप का एक ऐसी चीज रहेगी तो ये अच्छा तरीके से न्यूट्रिएंट मैनेज होता है। ये आईपीएम पेस्ट मॉनिटरिंग बहुत जरूरत है, इसलिए कुछ भी स्प्रे करने से पहले और मॉनिटरिंग के लिए स्टिकी ट्रैप्स है, नाइट ट्रैप्स है, और बाद में हम बायो पेस्टिसाइड यूज करते, डबल हो गया नीम ऑयल सबसे। मेरा एक अच्छा जो सलाह सबके लिए है, सभी क्रॉप के लिए, पर्टिकुलरली मिनरल ऑयल एक मिल जाता है, जो ये मिनरल ऑयल जो 2% आप मिनरल ऑयल स्प्रे करेंगे तो वाटर सोल्यूबल है, और ये क्या ड्राइंग ऑयल है, तो जब स्प्रे करेंगे और उसके साथ में आप नीम ऑयल भी मिक्स कर सकते और ड्राई होने से अच्छा फिल्म बन जाता है, और जहाँ भी एक बार अच्छा कोटिंग हो जाता है तो इसमें जितने भी स्मॉल इंसेक्ट है, सकिन पेस्ट है, वो मर जाती है, और बाद में इसमें डिसीज इन्फेक्शन कम होता है। तो इसका 2% आप यूज करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, अवेलेबल है, डिसीज मॉनिटरिंग भी है, मैकेनिकल कंट्रोल ज्यादा ज्यादा बायो पेस्टिसाइड है, नीम ऑयल मिनरल ऑयल है। अलग अलग ड्रैगन की प्रोसेसिंग अपने इसमें अभी शुरुआत की है, इसमें जूस बना सकते हैं, इसमें वाइन बना सकते हैं, केक्स, बिक्स, बिस्किट, जाम, जेली, बहुत से प्रोडक्ट बना सकते हैं, और कॉस्मेटिक में इसका जो स्किन होता है, फ्रूट के ऊपर का जो भाग होता है, उसके अलग अलग कमर्शियल बहुत प्रोडक्ट हो जाते हैं इसमें। अभी एक ड्रैगन का इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें कॉस्ट प्रोडक्शन में आइटम जो है, लैंड प्रिपरेशन है, ड्रेनेज सिस्टम है, डिगिंग पिट, सैपलिंग, फर्टिलाइजर, सभी वीड कंट्रोल, ये सभी रफली 3 से 4 जो ये मेरा डेटा जो है बेस्ड ऑन मैंने जो सर्वे किया है, 3 से 4 लाख पर एकड़ आता है। और फ्रूट यील्ड और इनकम देखे तो पहले साल में 2000 एवरेज प्राइस 100 रुपीज किलो, 250-300 भी मिल जाएंगे, लेकिन मिनिमम एक कर दिया है तो कम से कम 2 लाख पर एकड़ है, दूसरे साल में डबल हो जाएगा तो 4 लाख में, थर्ड से 6 लाख हो जाएगा, तो कम से कम थर्ड ईयर से अपने को प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जो स्टार्ट होएगा, और ये हर साल में बढ़ जाएगा। तो आई जस्ट वुड लाइक टू थैंक यू फॉर आर एक्टिव पार्टिसिपेशन, आप बहुत से लोग ने रजिस्टर किया है, लेट अस प्रमोट ड्रैगन फ्रूट फॉर बेटर हेल्थ एंड हाई रैंक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।
तो मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं उधर साहब को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ता हूँ। और इस कड़ी में हमारे जो अगले स्पीकर है डॉक्टर गणेश करुणाकर, डॉक्टर गणेश करुणाकर जो है वो भावी स्मार्टफोन ड्रैगन फ्रूट की खेती और उद्यम विविधीकरण की कार्य योजना पे अपना व्यक्तित्व देंगे। तो मैं डॉक्टर करुणाकर को आमंत्रित करने से पहले मैं थोड़ा उनके व्यक्तित्व पे प्रकाश डालना चाहूंगा। डॉक्टर गणेश करुणाकर वर्तमान में सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन जो कि IIHR बेंगलोर का सेंटर है पर प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर करुणाकर 20 साल से ज्यादा का बागवानी विशेष रूप से विदेशी फलों की खेती पे अनुभव रखते हैं। डॉक्टर करुणाकर पिछले 8 से 10 साल से ड्रैगन फ्रूट, कटहल, बटर फ्रूट जैसी फसलों पे काम कर रहे हैं। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कुछ प्रशिक्षण मॉड्यूल भी विकसित किया है और फसलों को विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया है। मैं इसी के साथ अभी डॉक्टर करुणाकर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज माइक इज योर्स नाउ डॉक्टर करुणाकर प्लीज। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑडिबल सर? या यस सर। सर प्रेजेंटेशन पहले मैं आप सबको माफी मांगना चाहता है, क्यों क्योंकि ना कस मेरा को ज्यादा हिंदी नहीं आता है, मेरे को आता है थोड़ा थोड़ा है, वो लोकल लैंग्वेज कोलोकियल लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा मेरा प्रेजेंटेशन के हम विथ योर परमिशन विथ द चेयर ऑफ द डायरेक्टर महाराष्ट्र एंड ऑल्सो विथ किसान को वालों को मैं थोड़ा मेरा प्रेजेंट इंग्लिश बारे में बात करना है। सो दिस वन आपको सामने पहले प्रेजेंटेशन करने के लिए ये पिक्चर देख लीजिए थोड़ा, बिकॉज आई वॉन्ट टू से दैट यू प्लीज सी दिस स्लाइड पहले। डॉक्टर करुणाकर यू कैन प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। Please go ahead. Please go ahead. Because I am getting stuck in with words actually, that's why, nothing else. Okay sir, so please see this picture Sabilo. How they are growing Japanese in mango, they are growing in container because their climate is not at all good for growing the mango, because either winter means minus 10 degree, summer means 44-48, so they cannot able to get mangoes. But we are in the country, God's own country like India, we are eating right from blueberry to karonda, right from dragon fruit to mango we are eating. So we all thanks to our tropical, subtropical, temperate climate, all the fruits we are growing, we are able to cultivate all the fruits. So pehle hum thanks to our God, because we are having such a wonderful climate, we are having potential to lead every fruits, not only fruits, horticulture crops and other crops also. Next, I put here candied fruit crops. Why I mention candied fruit crops? Because I mentioned smart fruits are waiting. Smart fruits waiting means today, if you go to the market, these are the fruit crops. You know blueberry in Bangalore market, 7,000 rupees per kilo. You know cherry in the market, 1,000 rupees per kilo. Dragon fruit 300, butter fruit 300, jackfruit recent days is picking it, because that is the only one crop, our indigenous crop picking in Indian markets. So right from I mentioned the seniority wise, I mentioned which is the top leading by the growers, not by consumers. This I mentioning by the growers interest point of view. Dragon, butter fruit, jackfruit, mangosteen, rambutan, durian, longan, these are the major commercial crop which our rights I mentioned. That is not a major commercial crop. You can grow with the huge potential. These are the crops I mentioned, candied crops. So why these candied crops in suddenly picking in market? One is market niche market, and farmers are getting better income. I mentioned only doubling the income, not doubling the income. Those who are grown in the dragon fruits, their income is more than 10 times were increased. Another one I already mentioned that agroclimatic conditions. You know that we are having so such a wide range of agroclimatic conditions, and also
If you grow dragon fruit like banana, you can get your returns start from first year onwards. Not profitable, that will be after third year, but your income will be returned. Whatever invested, the minimum returns will start by first year itself. And also gaining the substantial increase in market. Why substantial increase in market? You see, this dragon fruit, when I went to 2010 to present it, so exotic fruit cross one seminar, then only I was came to know that dragon fruit such a commercially was production started Thailand and Indonesia and also Vietnam. Then I thought that, so I brought only fruits from Thailand. I raised only seedling. I planted that in 2010 itself. So at that time, I am not much concerned about this crop. But one by 2012, I started real work on these crops of dragon fruit. Because those times, hardly in India, maybe 50 hectare or maybe 50 acre only it was there, 2012. So why this crop, you have to go ahead. One is nutrient, so many speakers, previous speakers have speak, Dr. Padarji spoke about nutrition. So again, I don't want to speak all those things. Please see, already yesterday, many people have spoke about this one, climates. How it is climate, different countries, different states, we can go ahead. What are the states we can go ahead? At present, as per my knowledge, in India, having only 600 hectares dragon fruit cultivations. Only 600 hectares. So, that area is, it is depending upon 25 to 50 acre in our districts. Apart from Kutch, the district which is having more areas, other than all other districts in India, it is having only 25 acres, 10 acres, 5 acres or 50 acres. Only few farmers having, the commercial farmers, big farmers having only 100 acre or 50 acre, 10 acre, it is that. These are the states, the potential areas we can cultivate the dragon fruit cultivation. Please see the picture. You see, in Vietnam, in the 1995, the area is only 2,000 hectare. Today is 50,000 hectare. 50,000 hectare they are gone that much. Why that one, that a level, huge level was spent? It is because of due to they are getting $1.1 billion. You work out how much growth it will come Indian money. Their economy is entirely depend on dragon fruit cultivation. Whatever they are exporting, and 30% of the fruits, among fruits and vegetables, the dragon fruit contributing 30%. You see that around three provinces there, that the three provinces contributing the entire country's economy. That too among the horticulture produce. So today they had a 50,000 hectare and they are getting around the 1 million tons and earning through the 1.1 billion. So in India, 2012, there may be 10 hectare. By 2020, it is around 750 hectare. Maybe another 5 years, it may be quantum jump of 10 times, 10,000 hectare. That will be every farmer, not only farmers and researchers and entrepreneurs and policymakers. Be cautious about jumping this much quantum. Where we are going to market, where we are going to export, what is our industry? These are all biggest question mark for us. So kindly think over that before going for dragon fruit cultivation. What is our demand? What is our international demand? Whether we can compete to Vietnam? No, no way possible, because dragon fruit, if you ask today also by war mail, they can send not only 100 tons, any quantity they can send, because their production is year round. The production is year round. Any month they will harvest fruit because of their technology advancement of dragon fruit. That's why the year round production, the year round supply, they are can able to sustain the international market. You see, banana, we are the leading producer. We are leading productivity. What is our export, you know? Less than 5%. We are not competitive to the world because of we are not advanced such a technology of packing, whatever export, whatever. Because ultimately, Kela is consumed by local people. That is different. But we could not able to compete to the export market. So be cautious. As we think of, we can compete to international market. This banana is a classical example for that one. So anyone who want to grow dragon fruit, definitely you can grow. But ultimately, you should have strategy for how we are going to market. The market strategy is one of the very important point. So we should adopt the technology. We should adopt the statistics or strategies from the other countries. Then only we can go ahead this one. Dragon fruit is a very good crop and getting income, all other things, okay. But once the flooding market, till date, it is not the common man of fruit. The
that has to be made, that one, like banana. You see, banana production is around 30 tons per hectare. Same way, dragon fruit also on par with 24 tons per hectare you can harvest per year on third year onwards. Such a huge potential crop actually. It is on par with the banana. When it goes for internal market, the food cost is so high at present. So that has to be available for common man. And also one side, the farmer should be get benefited. And same time, the market also should increase. This is what my precautionary to the all the growers or entrepreneurs whomsoever is that. As you can see, why I mentioned the potential of dragon fruit, which are the continent or countries we can send. I made a small slide of this one. That's just for figure. We can also compete with Vietnam. Vietnam today slightly gets their, how India going emerge, the export or entrepreneur side, diversification of their product means they are slightly getting the fear about the Indian country because they are having huge potential to produce the dragon fruit because of we are having such a wonderful, lovely climates. And also we are all the hard workers, they know also these things. So this is what, next, this is about dragon fruit initial. I'm going to put our mind about health regarding issues. You see them, any doctors, nutrition, diabetic, anybody is there, they will always suggest to go for multicolored fruits. Why multicolored fruits? Different kind of fruits, having different kind of nutrients, different kind of vitamins, which is required for our body, that a metabolism activity, improve our immunity. This was given by Dr. Salinger, but they have not mentioned about dragon fruit. Such a wonderful fruit, dragon fruit, improve your immunity. That is a very good, that one. Actually, you see, here I mentioned about this one. First point is slightly acidic. The organoxide is so high in these fruits. That's why shelf life and microbial safety is very, very good. For example, banana once ripens, the carbohydrate converted to the high range of sugar level. When the sugar is changes, immediately fruits getting rotting symptoms. But in case of dragon fruit, one of the biggest advantage is less carbohydrate, very minute quantity, very, very traceable quantity of the sugar. That is 3 to 7 grams I mentioned. So which is not able to facilitate or that has not able to support the to grow the rotting organisms, whatever it may be, that is not able to support. So that's why the shelf life of the fruits, dragon fruit is one of the fantastic because of the organic acids is so high. Then next I mentioned, and then also this is 80% of the water, the red color pulp is having that betalain. These are all the data we have generated from the our institute in Indian Institute of Horticulture Research, Bangalore, with the help of the biochemistry scientists. We are having the full details of any nutritional aspects of these things. Actually, we have worked out 3 years and different varieties, what is the quality, everything is there. And also vitamin C, also it can support this one. Beta-cyanin content, which is not, it is not compared to anthocyanin is different component, beta-cyanin is different component. So one among this one, the only fruits, the red color fruits, which is having beta-cyanin, red color means pink color pulp, I'm talking, not white color pulp. So these are the things, but slightly pink pulp, what happened, that is called magenta also they used to call it, slightly having, the pulp is not such a so crispy when comparatively white one. Some people are likes more on sour and sweet based, some people are likes more on sweet based. So in Indians are mostly prefer the pink based pulp, and these are the, you can see this one, what is the sugar. We have done another biochemical profiling also, I have not put this like water phenolics, flavonates, mantex, everything. We have profiled it. And sugar level, vitamin C, moist, everything. Another one thing, you see, banana having rich in potassium. That alternate is one of the fruit is, the, after the banana, you can go for it. The potassium rich fruit is the dragon fruit, which is best for the BP patients. And also calcium, phosphorus, iron. These are the 4 minerals. Why any doctors recommending this one? Why they should recommend? When you go for the dengue fever or any other fever with doctor, after 3-4 days fever, when fever subsides, what they will do, doctor, they recommend you vitamin B complex with minerals. You please notice, definitely they will recommend after the week, you please take another one because your body is depleted, your metabolism body depleted. That's why they are giving that one. Now today, what doctor recommends, you know, dragon fruit. One tablet, what you are taking, the 5 mg of that tablet, more than that, this dragon fruit has. So when you eat this one, all this depleted
minerals or vitamins, whatever it may be, that will improve your body health. So that's why doctors also concept is to recommend this food as one of the food to improve your, when the, all these minerals and vitamins are ultimately to convert to the your immunity of the body system. That's one of the best fruit, this one, actually. So, another one thing, people think that just a plant, forget it, we'll go for our worst. No. That is not the real thing. Dragon fruit, one has to do diligently. Simply don't think that just if you plant it, less maintenance, less air, then everything will come. No. You won't find a not even single vine in your tree. You should visit your plant. You should make proper training system. Make for proper pruning and training. Application of proper menus and right planting material, avoiding the diseases. One of the important things, the integrated approach, very, very important. Then only you can success with this kind of farming system, actually, because your insulin investment is so high. If you are not taking care, ultimately won't harvest first year fruits. Only you will harvest second or third year itself. If you maintain only the first year fruits, you can be harvested. Already I said 2-3 varieties. You can see this one, white color, red and pink. There are so many other, in my knowledge, in all over world, they developed only 32 varieties from the different countries. Among that, Taiwan is some of the varieties they are having. They are not disclosing much, but the maximum of 32 varieties only in all over countries there. But all these varieties, the adaptability is a biggest pushing mark to the India. Indian climates and Vietnam climates and other countries' climate entirely different. Please kindly note it down. It's need for evaluation, performance assessment, adaptability studies. So these are all the varieties. Already we have planted during 2013 and 14, and every year we are increasing. We are carrying out the research of the water requirement, training modules, and also fertilizer requirement. Already we are working on these all aspects. So you see, this is the model, training model. This is the initial field by 2014. We have kept this model system. Raised bed system. Why I am supporting raised bed system? Because these plants are, it's a superficial roots. It's like a vegetable. It doesn't have a taproot system. Always, if you go for raised bed system, if heavy rain is there, the water will come out to the basins and it will go out of these things. The drainage is one of the very, very important concepts in this one. The people are making a trench system with the soil, making so 4-5 feet depth. It is not required at all. The conditions where the tropical and subtropical condition, where the high rainfall zones, they can go ahead with the trench system. Why the trench system adapted Thailand and Vietnam? Their month, 6 months, they are getting huge rainfall. The water should go away. That's why they are doing trench system. So we need not adopt the same methodology. That cost is so high. Again, for making trench everything. If you want to go for mechanized cultivation of dragon fruit, even you can go by 12x8 or 12x10 or 14x10. Why 14x10? If you go, your power tiller or tractor can enter the one side, you can harvest the fruit both the side. That is also possible, mechanized. So if you want to go by not a mechanized, go by 10x10. Single pole system is one of the best method for dragon fruit cultivation. And that too, dragon, the cement pole is best. Cement pole is best. Why I am saying cement pole is best? The roots are from the stem. It is adhering very nicely to the poles. But in case of stone pillar, during July to October, roots are getting adhering. When it is a summer, roots are detaching from the pole. Roots are getting detaching from the pole. So, after we are observing this one, we are recommending, you have done totally 7 methodology, A-shape system, D-shape trellis system, iron ring with the cement pole, iron ring with the stone pole. So many methods we adopted. We are finally concluded cement pole single system. Please view. This is the plot 2012 and 13. We made a very small plan, around 100 tanks I did. This is a 3-4 different training system. The first one is cement, second one is A-shape, third one deep trellis, fourth one is stone pillar with the This is the model we are trained in the initial stage. This is the view of this for our training batch 2014. Then different training system. People used to go for tire system. People used to go for iron ring. People used to go for cement ring. When you are using cement ring, kindly I am saying that people are using 4mm wire, GA wire for in the concrete inside the ring, which is getting breaking
after her 7th year, rightfully getting back. Joining modules we are adopted in the spine shape of cementing, the ring shape of the cementing, or spine shape of board, and everything die you create that we ourselves only be used to solve. So die is very important when using, and the suffering is very important, plus the pole is very important when going at the because your investment so high that self plan should come 20 years after the cement pole, and each band is capacity is 300 kgs, that is around so that you think it might be void, because iron also people are doing maybe 10 years after collapse means you cannot take and remove, and you cannot tie, you have to cut and remove the top portion and again you have to tie. So these are all thinking that the life span of the ring also, you think it life span of the plant, what is the capacity of the holding the plants. So kindly see that also we design this one. And you see, this is the simple model like the diagram I made it. How you can make any kind of diagram also. Cement ring you can go, iron ring you can go, but only thing, we felt 3 years of experiment, 6 years of result, that cement ring is based, cement ring and cement pole. You can go by 5 inches cement thickness of pole and 4 inch thickness of pole. Well, all the side if you want to go, 5 inches also you can go, or 5 by 4 inches also you can go. But the ring at least 2 feet diameter. Some people are going for 1 feet, 6 inches also they are going. 2 feet diameter is, we felt, is very good. Or 1.5 feet when you are going, you can reduce the spacing also. But it minimum required 1.5 to 2 feet diameter is required ring. And the thickness of the ring is around 1.5 inches, very, very important. Thickness of the ring also 1.5 inches, very, very important. And other models, I made it for other models, iron support system, iron ring. Iron support system with the ring. These are the models we have done it. We have, my 6th year it is not giving. Iron is supporting very well now. But after 10th year, and we use bus tires. Bus tires means we'll one ring of portions will remove, we'll add lorry tires. And also we used to 2-wheeler tire, we used for the car tires also. And iron ring also we used. So these are the mechanism you can adapt for the ring system for with any poles. We can go for it. This is a trellis system. Already I showed overall overview of the pictures. This is a T trellis system with J here. This is a A trellis system, A shape that is called. A shape trellis with J angle. I mentioned here maximum you go for it. When you go for the tire, it comes around 450 to 500 rupees. When you go for cement ring and cement post, 550 rupees it comes. It is workload at our office. We have done it that one. Maximum of one can spend 600 rupees. Maximum of one pole or 1 acre or one pole, one person can spend 1000 rupees, means around 450 pillars, you will get it 4.5 lakhs, you have expenditure. If you are really already in farming, you know the better things, you can reduce your cost of establishment of wagon food around 50,000. By 4 lakhs itself, you can finish. But those who are entering new to the farming, this one, they will go for up to 4.5 to 5 lakhs they have to spend for the per acre, 450 poles I am talking this one. So another one thing, here I put, you are not finding any rings in this pole. This is the Vietnam model. Why they are doing it without ring? Because year round they are getting humidity is 70 to 80%. The plants, whatever the roots are, aerial roots are, it is attaching to the pole. It is attaching to the pole, it doesn't require any kind of support by ring. That's why Vietnam, they are going by little bit closer spacing also, 8 by 8 also they are adopting, because of the plant itself, the aerial roots are getting adhering to the cement pole and giving full support and strength to the plants, which is not falling also. It is not falling also. So that's why they are not going for them. But the ring and other system are followed by Cambodians, Philippines and Indonesian and Thailand. But Vietnam is, they are not using much rings actually.
This is one another model. This is edited Sunem, sorry, Danger plants, Glyricidia plants. I established the live standard. Even I harvested 3 to 4 times, and I found that this Glyricidia model, maybe you can try it in your backyard of homes. Not as a commercial model. I am not saying this is not as a commercial model. So this is one. I don't know this video will function or not. It is functioning. You see, two things I want to see. In Karnataka itself, the flowering pattern is twice it is happening. Twice means what I am saying, two different zones or different times are happening. For example, Andhra Pradesh, North Karnataka and Tamil Nadu, their flowering time is in the month of June. But in case of Southern Karnataka, for example, Bangalore, Mysore, and the border of the Tamil Nadu and Bangalore, these regions, the flowering time is, it starts by April last week itself. We are harvesting fruits May. We are getting very good price about this one. So early cropping, early harvest in Bangalore and some other zones are we are getting. And also this one, actually say it is not competitive with the other zones like Maharashtra, Gujarat or maybe other states. It's not competitive. So that's why, and fruiting also ending very quickly. It will end by August itself. So this is what we wanted. We want early crop in some state, late crop some other state, and the availability of fruits will be availability of fruits more than 8 to 10 months will be available. So one can sustain, and the market rate also will not fall, and supply of the fruit also, and consumer also will fulfill the demand supplying of every month. So early harvest, late harvest, two different concepts is there. With that one, we can supply the fruits. We can harvest the market of the dragon fruit also. Please see this one, removal of corolla. The removal of corolla, another one mechanism in Vietnam is following, some other countries follow. Why they are following Vietnam is because of heavy rainfall, always falling water. When they are not removing means it's getting rotting. Rotting symptom, it will spread secondary infection to flow. And also if you are not removing this corolla, in the fruit center one pith will develop. While removing the fruit, that pith will be visible. If you remove this corolla, you can reduce secondary infection of diseases, and also that center of the fruit, one pith, the content will be, that also won't develop, and also we can reduce the infection also, and good quality foods, and it quickly it will mature also foods, this one. So these are the things adopting by other kind. We are also adopting, last 2 years we are adopting. Many farmers in Karnataka and surrounding states, they visited, they are also seeing this one. Otherwise, what will happen? That corolla dried one, it is attached with the fruits, it will look ugly appearance. We have to remove after drying also. So before that removal of this one, this is one of the best things to remove this one. So it will give more nutrients also fruits, this one, actually, sir. So next one, we are also adopted technology by 2014. Cultivating dragon fruit under the 30% of shade net house. Why we have done this cultivating dragon fruit under 30% of the shade net done? One is assessing the light. Second one is pollination. And third one, performance and sunburn injury. So when you are cultivating under coconut garden, suppose someone wants to coconut garden, someone wants to intercrop with some other crops, how it is going to perform? For that, we have done these studies. But the light intensity requirement, if you reduce 70%, 80%, 20% reduction of light also, it's setting the fruits and pollination is happening. And the performance of dragon fruit under the shade net, under the 30% reduced light, the white pulp cultivar performance better than the red pulp cultivars. And also, we are found that total reduction of the sunburn injury under the 30% sunlight. 30% reduction of that. The sunburn injury, one of the major problem emerging in India, that has to be taken care of by the farmers. I will talk about in future. So, why this one happening? The pollination is a red cultivar, one of the problem. If honeybees or houseflies or any other is not visiting, then the size of the fruits is coming down in the red pulp cultivar. So, outside is best for the dragon fruit cultivation. Only thing we can reduce sunburn injury, only thing we can reduce, you can cultivate in the open garden also. St-
soil is going, you can visit our plot, these things. Next one is already mentioned that some of the cultivars we have collected right from Andaman and from Kutch farmers and also from Maharashtra and other regions also. I collected this one, more than 12 varieties we are having. Among the 12 varieties, some of the varieties, it is flowering 80 flowers in one time in the month of June is flowering, but the size of fruits totally is less. There is a slightly silk compatibility of the pollen is happening in this one. The flowers which is come 15 to 20, the size is ideal. It's giving more than 500 to 800 gram range of fruits we are getting. Kindly see this one. It is only 100 gram of size of the fruits we are getting. So what is the problem with this one? The problem with this one is a cultivar problem basically. We don't know about what cultivar this one. Simply we brought this material and we are assessing. So many farmers, they did this one. Now they are facing the problem. So my suggestions, the kisan wala ko pehle aap dekhne padega, which is you are going to take, which variety you are going to take, and see the fruit size. What is the yield of 2 years consecutive years? Then only you go ahead with this one. Otherwise, some people are already planted, they are facing this one. Even if you give fertilizer, even if you give pollination also, it is slightly only improving the size. There was a problem with the basically with the cultivar, not with the technique. It may be the self-incompatible, we need for hand pollination, and also with slightly the fertilizer problem also. This thing. This is what already I told, the pictures I showed you, self-pollinating, where the unpollination is required. This picture you can see. The next thing, sir, there is some farmer, I want to say that people, sir, whether we can go for cultivation of mineral crop? Yes, of course. If you are going by 14 by 10 or 14 by 8, you can cultivate between the rows, not between the plants. This man, he planted parallelly with the rows with the, along with the dragon fruit. He is harvested roses around 3 lakhs rupees earned in the first year, 1.5 lakhs from first year from the dragon fruit. So you can think of that, you can grow the intercrop, which is also, it should not be over irrigated. This is also the equal level of irrigation with this. Some people are cultivating ginger, they used to irrigate over. It should not be done. It should be equally sooner. So many crops, and the farmers from surrounding, from the Bangalore, they are gone for grapes, post they converted to the dragon fruit cultivations. Please see this one. Another one is off-season production. This is also filled from the Dr. Rao, who has been last 5 years association with us. He has visited many times. Yes, with us only, with the past 5 years, how we are going at, and also attended 2-3 field days, and also he has came during 2014 onwards to see this technique, and he's also gained from the knowledge of IHR Bangalore. Today he adopted the lighting. We also adopted, last 2 years we have adopted the lighting instrument with the local lights, with the abroad lights. The lights which is having, you can see this picture. The lights which is having 1500 to 1600 lumens and 1500 lumens minimum required, 7 watt to 9 watt you can adopt. These bulbs are imported from the Vietnam. Myself and Rao with in our association, we have done it this one. And this is the initial stage of experiment. The people who are going for lighting, be careful, because when you are adopting the lighting during the month of November, December, January, February, what happened due to low temperature, the bulbs act as an incubator. Bulb is acting as an incubator for spreading the microbial organism. Sometimes we found that more on anthracnose during the season. Some plot, even I switched off the light after the date, because the organism spreads very well when you create the optimum temperature to the near to the plot. So kindly, before doing this one, kindly make a small plot of experiment. If you succeed, then only go in. Otherwise, we are also in the trial. We are using adopting local lights, adopting the abroad lights, which one is coming up. But with this year, we are not able to perfection it due to COVID-19. Next year, we are planning to go ahead. And if once we will get result, we will also give the technology to the people. So, another one, maturity in this. One thing. Sir, only people are, yes. Sir, please, I am sorry to interrupt. Please, just go fast if possible. Okay, okay. How many people are eating dragon fruit in the abroad imported fruits? I don't know. The fruits which are comes from the abroad, they are harvesting immature fruits.
They are harvesting immature fruits and sending to the, and one more thing I want to say, Vietnam is the first grade fruit sending to Australia and Europe, and other fruits are sending to China secondary, and third one comes to India through the via Sri Lanka, which is the fruits having bland in taste. Why? Because of these fruits are not allowed to mature in the tree itself, pole itself. That's why it is tasty. But Indian fruits are very, very tasty. This is the one picture you can see how the fruits are exported to Japan and Korea. You can also see this picture. Second one, small video, how the fruits are washed in the Vietnam. With, I have visited this one, two countries about this one. This is the way they are doing it packing. And I'll move into the next slide. So, what are the products from other countries? So, what is our product? These are the product in Bangalore is emerging. One is from sweet and cake and drying of the flakes, and also it goes for birthday cakes. These are the cakes are entering, just cakes are already in Thailand. Many cakes companies are entering to the due to COVID time. These are the ultimate, this one definitely can benefit from the central India, northern India. They know very well how to make the sweet, how to make the with dragon fruit pulp, dragon fruit pulp. So, if you are not developing industry based for dragon fruit and bottling of juices, mash, and also pulp industry, if you are not able to develop, definitely industry will be a big question mark for dragon fruit industry. Kindly see that farmers should not suffer. So ultimately, parallelly, we have to develop two things. One is marketing strategy. That means popularity to the bringing to the among the consumer. Second thing is post-harvest industry. This is the action plan I want to tell them before going ahead. Third one is import. Because we are getting sustained. So traders will import this food, the local farmers will suffer. So kindly see this one. Another one, ants. Ants is one of the major problem with the dragon fruit cultivation. Next one is sunburn injury. Kindly see this picture. If you are not taking a sunburn injury means, it is starts with the month of March or April. It starts from right from November onwards. And the temperature is low and high. That is called diurnal variations. More than 20-25 degrees there. This symptom slowly will develop. It will express in the month of March. But one should take care in the month of December onwards by spraying thiolinite 40 gram per liter of water along with the neem soap or neem oil, and monthly twice, then only you can control. Otherwise, what will happen? Secondary disease infection will come. Your entire branches you have to cut and throw. So please take care of this one. The second one, some people are grilling their suspiria everything. This is a picture from the Gujarat, some model the people are using for shadiness. Dragon fruit can cultivated in the terrace also. That is one model. Already strategy I want to tell you that offering marketing strategy should be created for the consumers level, and also industry based post harvest processing value should emerge if this industry has to be sustained in future. Because already 500 acre establishments in Karnataka. What was the plan? Please think it out. At least 5 tons means 25,000 tons will come in within 1 year. But where is the consumption? Who is the industry to buy it? So please think of this one. And another one, this is the picture I want to show that one. We are Indian farmers are very good producer, not good, very good market. During COVID time, you have learned many things. You see, people used to make shoes in AC showroom. Shoes in, they are selling AC showroom. But the foods are selling in the drainage system. So this is what this one. So it has to be switched over. The fruit should be sold in the AC showroom, the shoe should come to the platform. Why I want to say that? One fellow from Richard Bowden, he told me, Karnakana, I cannot understand what we are eating. What we are eating, we are selling to near the drainage system. What we are wearing, we are selling in AC showroom. This is one of the important concepts to survive horticulture industry means. This is very much needed. So what we are eating, we should be very hygienic and very good packed, and as some Dr. Podas told, it should be followed good agriculture practice also. This is what concept I want to tell the our Kisan Unglo plus entrepreneurs and also other industry people also. So this is very, very important, this one. You see, this is a small video, this banana. You see, the farmers are selling something 7 rupees also, banana in granite banana. Why they are selling 7 rupees? Because they are selling as such bunch. And this one, the individual ants are detached from the bunches and packed to the crate. It reaches to Delhi market. If they are getting around 25 rupees per kilo. You see how the packing system are
post harvest handling is very, very important. Banana, if you make it that way, we'll have a good amount of prices. This picture, it shows that for you can adopt dragon fruit also kindly. Otherwise, we cannot get good prices. So kindly do this way, then definitely this one, this is packing and down, and the other one is going on. So I will jump with this picture and video is, I want to go away because that is a packing system. So another one thing, sir, dragon fruit ko tavo, beat corona, eat dragon fruit, eat corona, because now already I said this nutrition aspect. When you take with multiple vitamins and minerals, definitely improve your immune system. We can fight with corona, COVID-19. Don't think that it will control. I am saying that your health will improve, your immune system will improve, and ultimately we can beat COVID. So eat dragon fruit, beat corona. This is one thing I want. So I always snatch the dragon fruit popularity with every exhibitions. I usually create such a kind of picture. This is going to be a smart fruit for 21st century. And also, I thank our director, Dr. Yamar Dinesh, director of IHR Bank, who gave me this opportunity to present this one. And also my project associate, right from Dr. Parivadagan and Dr. Sinira. And not only this one, I thank to ICAR Institute. I made it 120, I reduced to 40 because now I want to invite all of this one by go, even I want to invite director of your institute, visit our institute, get see our plant, and we can give so many technologies to the Kisana Loco. Definitely in this presentation maybe little bit of triggered your dragon fruit cultivation also. I feel definitely we can be in future, we are going the key player. Key player means Dhoni may be retired, but dragon fruit won't be retired because now Dhoni still is continuing his these things playing up. He's a key role. Same way, these fruits will not be get retired into the fruit industry. It will lead to the world and India going to be the leading player for the exporter of the dragon fruit. The other country will, you know, China is entered 40,000 hectare is they entered, but India is going to definitely beat that area level and we are going to export. Thanks for giving opportunity. Thank you very much, sir. Sorry for the late and delayed presentation. Thank you, sir. Thank you very much. Really, you have been delivered a very nice and very broad and presentation. And I'm sure that our participants, including farmer, entrepreneurs, and many others, including students, they will really get benefited out of this one. You have been touch everything, sir, since from cultivation to post harvest to export, import, and this economics of this crop. And really, I am thankful to you for this wonderful presentation, sir. And thanks a lot. And definitely, we are sharing everything regarding this information related to you, to our farmers, and everyone. And they will contact you in future if they will get some kind of difficulties, particularly for cultivation of this crop. So for this, sir, thank you very much to join us and accepting our invitation to present this wonderful presentation. So thanks a lot, sir. So now, abhi hamara isi kadi mein next presentation hai Dr. Srikant S. Kulkarni ji. And Dr. Srikant Kulkarni ji, Maharashtra ke Dhauri Krishi Vidyapeeth ke ek professor ke pad par karyarat hai. Dr. Kulkarni apne training se ek horticulturist. Hello, can you hear me? So Dr. Kulkarni is a horticulturist and he is Kulkarni is working for dragon fruit and yes sir, please wait for some time. Yeah. Okay. Yeah. So, like that, and abhi Kulkarni sahab ka lecture sunenge. So now, sir, you can start. Okay. Thank you very much for inviting me on this issue. Yes. Awaaz aa rahi hai?
Yes, sir. Yes, sir. Hello? Awaaz aa rahi hai kya? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. You are audible now, sir. अभी देखिए मुझे जो टॉपिक दिया हुआ था वो ड्राईलैंड फार्मर के जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए हम क्या ड्रैगन फ्रूट एक संजीवनी हो सकता है क्या? अभी देखा जाए तो ड्राईलैंड का जो क्षेत्र है पूरे महाराष्ट्र में ये बहुत ज्यादा है और जिसका सॉइल टाइप भी बहुत अलग अलग तरीके का है। जो मार्जिनल फार्मर जो है 1 एकड़ से कम जो उनके साथ जमीन है उनके लिए हमने सोचना अच्छा समझा हुआ है। तो ये जो क्रॉप है अभी बहुत सारे लोग बताएंगे और बहुत सारे लोगों ने बताया भी है कि ये जो है अच्छा क्रॉप है, रेमुनरेटिव है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का बारे में कहना है तो देयर कैन बी सम अदर गुड सपोर्ट्स आल्सो, गवर्नमेंट में थिंक ऑन अ डिफरेंट इश्यूज, वो मेरा बात नहीं है, लेकिन इनिशियल जो मार्जिनल फार्मर है उसके लिए कोई ना कोई फ्रूट क्रॉप होना बहुत जरूरी होता है। पहले आप कह रहे थे कि आप थोड़ा अगर 1 हेक्टर पे हो तो थोड़ा हाई डेंसिटी गुआवा करो, हाई डेंसिटी मैंगो करो, लेकिन जहाँ पानी कम है, जमीन बहुत खराब है, वहां ये क्रॉप हो नहीं सकते, तो ड्रैगन फ्रूट जो है वो उनके लिए बहुत अच्छी संजीवनी साबित हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेलो, हाँ, अभी जो देख रहे हैं हम कि जो फ्रूट है जो फ्रूट है वह कहाँ भी ग्रो हो सकता है, जमीन की कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं है, कम लगता है पॉलिनेशन। अभी कोरोना का डॉक्टर करुणाकरण साहब ने बहुत अच्छा बताया सबको, तो मैं उसको फिर से दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जो अभी ये जो क्रॉप उभर के आ रहा है सबके लिए अच्छा साबित हो सकता है, पर्टिकुलरली मार्जिनल फार्मर्स के। तो वो हिसाब से अगर यूनिवर्सिटी में एजेंडा जो है उनका काम करने का, जो कुछ रिसर्च करने की जरूरत है, तो जैसे भी डॉक्टर करुणाकरण ने बताया कि जो क्रॉप का आप ले जा रहे हो पौधा वो ठीक है नहीं, उसका वैरायटी अभी आइडेंटिफाई हुआ नहीं है, सिर्फ लाल कलर वाला है, व्हाइट कलर वाला है और येलो कलर वाला है, उसका जो जीनोटाइप क्या है, जो पौधा अच्छा तुम्हें फल देगा उसकी ही आपको नस्ल बढ़ानी चाहिए। आज अनफॉर्चुनेटली कौन सी भी कहीं से भी कोई लेके आता है और पैदा करता है, तो यूनिवर्सिटी का प्रमोशन ईयर है, यूनिवर्सिटी ने बहुत सारा कलेक्शन किया हुआ है और उसमें से हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कौन सा पौधा हमें अच्छा ज्यादा फल देगा, अच्छा क्वालिटी का पौधा, उसकी हम फसल बना सकेंगे। दूसरा जो है यूनिवर्सिटी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, अभी देखिए आपने अभी करुणाकरण साहब ने बताया कि साउथ कर्नाटका एंड नॉर्थ कर्नाटका इज डिफरेंट, क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है तो बलत होता है, तो इसीलिए वेस्टर्न महाराष्ट्र में जो है कोल्हापुर से लेके नासिक तक का और सोलापुर तक का एरिया है, वहां भी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हुए हैं, वहां के मार्जिनल फार्मर्स के लिए कौन सा दूसरा अच्छा रहेगा, कौन सा कल्टीवेशन टाइम अच्छा रहेगा, इस पे भी यूनिवर्सिटी काम कर रहा है। दूसरा यूनिवर्सिटी का काम डिपेंड करेगा, तो इसके लिए अच्छी पौधा इस नहीं है, सिर्फ उसके लिए जीएपी जो हम एक्सपोर्ट कर सके या जो फ्रूट से वो एक्सपोर्ट क्वालिटी बना सके, उसके लिए हमें जो करना है वो यूनिवर्सिटी का ड्रैगन फ्रूट का रिसर्च का और एक मैंडेट है। अभी ये जो मैंडेट हमने रखे हुए है ये सब एक जनरल फार्मर्स के लिए तो अच्छे है ही, लेकिन मार्जिनल फार्मर्स पर्टिकुलरली ड्राईलैंड फार्मर के लिए, नेक्स्ट प्लीज, ड्राईलैंड फार्मर्स के को देखते हुए, उनको सुनते हुए, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जरूरतें देखते हुए बहुत सारी चीजें अहम है, प्रायोरिटी पे वो काम हम लोग कर रहे थे। उसमें सबसे प्रायोरिटी जो आती है वो डेंसिटी की, दूसरी आती है ट्रेनिंग सिस्टम की, और तीसरी आती है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अभी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट थोड़ा ड्राईलैंड में दिक्कत वाला पैदा हो सकता है, हाई डेंसिटी जैसे डॉक्टर करुणाकरण सर ने अभी कहा, पीपल आर डूइंग, लोग कर रहे हैं 10x8, 10x12, 12x14, 14x16 जो भी है बंदे कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन ड्राईलैंड फार्मर मार्जिनल फार्मर के लिए ये अहम नहीं होगा, क्योंकि उसके पास बेसिकली उसका जो क्षेत्र है वो बदलता है, उसके पास होने वाले पैसे वो जो इन्वेस्टमेंट कर सकता वो काम है। तो यूनिवर्सिटी और भी ध्यान में रखते हुए लो डेंसिटी पे कुछ हम लोग काम कर सकते हैं। अभी तक आप सब लोगों ने देखा है एक पोल है जिसके वास्ते आप 4 पौधे जुड़ा रहे हो, 4 वाइज जुड़ा रहे हो और ले रहे हो, उसका जो रिंग सिस्टम है उसमें हम कुछ करें। अभी अगर हमने देखा ट्रेलिंग सिस्टम पे गए तो लो डेंसिटी, तो उसका खर्चा कम हो सकता है, क्या भी अपना कोई मॉडल हम लोग ऐसा बना सकते हैं, वी आर थिंकिंग ऑन दिस। अभी हम डॉक्टर करुणाकरण सर का तो काम बहुत 5-6 साल का है, उन्होंने बहुत पहले शुरुआत की थी हमारे यूनिवर्सिटी से IIHR बेंगलुरु ने, लेकिन हमारा काम पिछले साल 2 साल से चालू हुआ है,
अभी हम कलेक्शन कर रहे हैं। सबसे अहम बात अभी हम ये कर रहे हैं कि हमने कोई स्टूडेंट के हिसाब के और स्टूडेंट के साथ पॉलिनेशन स्टडीज किया है, पोलन स्टडीज किया है, इसके साथ हमने कोई आइडेंटिफाई किया है वाइन हाई यील्ड देने वाली, हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी देने, उनका ब्रीडिंग प्रोग्राम भी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू ईयर्स में या यूनिवर्सिटी में लेगा जाएगा। देखिए मैं आपको सबको ये नेक्स्ट अभी फर्स्ट टू थर्ड ईयर में आपको लगता है बहुत सारे लोग कहते हैं हमने 5 टन लिया है, कोई लगता है 6 टन ले, लेकिन जहां पानी कम है, सोलापुर में मैं एक बार गया था, मेरे ख्याल से वो हमारे डॉक्टर राजू साहब शायद देशमुख, राजेंद्र जी देशमुख शायद सुन रहे होंगे, उनके फार्म में मैं गया था, उनके और कोई फार्म में वहां गया था, तो उन्होंने कोई ऐसा प्लांटिंग तो किया था नहीं, कई फार्मर ने प्लांटिंग नहीं किया है, कई फार्मर ने बंड्स पे लगा दिया है सीधे रोज बना के, पानी की कोई जरूरत नहीं, जो आता है वो आता है, उसी हिसाब से अगर लोग मार्जिनल फार्मर सोचेगा तो उसको 1 से 3 टन मिलेगा पहले 2 या 3 साल में, और उसके अगर अच्छा करेगा तो 8। लेकिन आप लोग सब कह रहे हो, अभी सर ने दिखाया था, शूज आर सेलिंग इन एसी रूम एंड ड्रैगन फ्रूट्स आर सेलिंग समवेयर द रोड साइड, ऑल द फ्रूट्स, नॉट ओनली ड्रैगन फ्रूट, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, बहुत सारे। लेकिन अगर तो जो फार्मर है, हम लोग देख रहे हैं जो किसान है उसको कितने पैसे मिलते हैं, बिलो ग्रेड के 30 रुपए से ज्यादा नहीं मिल रहे आज महाराष्ट्र में किसान को। मैं जो फल आप जहां से खरीदते उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, और जो दूसरा क्वालिटी है उसको 50 रुपए की मिल रहे, और अच्छा वाला क्वालिटी है उसके ज्यादा से ज्यादा 80 रुपए मिल रहे। अगर ये हमने सोचा है, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा जो अभी आएगा मार्जिनल फार्मर के लिए, तो हमें लो डेंसिटी या हाई डेंसिटी उसका दूसरा ट्रेनिंग सिस्टम का काम, और तीसरा अच्छी वैरायटी देने का जहां से उसको ज्यादा फसल मिले। सबसे इंपॉर्टेंट है उसको मार्केटिंग टेक्निक बनाना। अभी जितने भी करुणाकरण सर बोले, उनसे पहले पोदार साहब बोले, वो भी अभी बोले, मार्केटिंग गिमिक्स जो है वो बहुत बुरी चीज है। कोई लोग अच्छा कर सके, अगर किसान का अभी सिर्फ वैरायटी देंगे, उसको टेक्निक देंगे, उसको ट्रेनिंग सिस्टम देंगे, उसको शेडनेट देंगे, ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन उसको बेचने का जो है, बेचने का मरना जो है, वो किसान को सीखना चाहिए, तो ही किसान के ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ये इट शुड बी हैंड इन हैंड, दोनों साथ काम करें, तो ही किसान का होता है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने भी बताया जे पिकेल अक्सर पिकवा की जे विकेल, विकेल ते पिकेल, ऐसे ही बनाओ चीज जो हाथों हाथ बिक जाएगी, तुरंत बेच जाएगी। अगर वो किसान को बनानी है तो हम टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड करेंगे और वो खुद मार्केटिंग सिस्टम डेवलप करेंगे, तो ही सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, तो ये 3 लाख से ज्यादा उसको पैदा मिल, अभी इसका फोटोग्राफ जाएगा, आप थोड़ा आगे जाएंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलो सर, ये सब लोगों ने देखा हुआ है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट ऑल टाइम। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अभी देखो ये, एक सेकंड, अभी जो देखो, अभी ये कोई देख रहे हैं, अभी ये लैडर सिस्टम देखे, अभी करुणाकरण सर ने भी कोई और तरीके दिखाए 4-5। अभी अगर मार्जिनल फार्मर के लिए ये लैडर सिस्टम जो है वो बांबू से बन सकती है, लो कॉस्टिंग हो सकता है, उसको पोल की जरूरत नहीं करेगी, एक पोल की बजाय पे वो लैडर सिस्टम बैंबू का बना के उसको बेच सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो आता है उसको हमने रखना है कम से कम 10 से 15 साल तक, अगर आप अच्छा रखेंगे तो देन इट विल बी वेरी इजियर, बहुत सारा आसान रहेगा। ये बाम्बू सिस्टम जो है, बैम्बू उसका निकाल के दूसरा बाम्बू प्लांट करें, जैसे बताए वो कोलैप्स नहीं होगा, वाइन की लेंथ वही रहेगी, वाइन का कोई ट्रेनिंग और प्रूनिंग का सिस्टम बदलेगा नहीं। तो ये एक सिस्टम है जहां हम कॉस्टिंग कम कर सकते हैं और किसान का खर्चा, इनिशियल खर्चा कम करके उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा देखा गया है, सेविंग जितना है वही आपका बेसिक अर्निंग होता है, उसके बाद जितने पैसे ज्यादा मिलेंगे मार्केटिंग है वो आपका प्रॉफिट है। सो एग्रीकल्चर में सेविंग इज अर्निंग, ये बेसिक है। तो इसीलिए अगर हम मार्जिनल फार्मर के लिए ये टाइप का कोई सिस्टम सोचते हैं तो फिर हम उसको भी हम प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, बक्सर से पूछ के तक इंटरक्रॉपिंग इज अनदर वे। अभी देखिए ये जो है, दिस इज अ नॉर्मल व्यू ऑफ एनी मार्केट इन ड्रैगन फ्रूट ऑफ द कंट्री। ऐसे बेचोगे तो पैसे नहीं मिलने वाले, तो अगर मार्जिनल हो या कोई भी फार्मर हो, उसको हाथ में हाथ और टेक्नोलॉजी कोई इंस्टीट्यूट देगी, कोई अच्छा किसान के पास से भी इस टेक्नोलॉजी में, ये कोई अहम बात नहीं है, कोई किसान भी अच्छी टेक्नोलॉजी निकाल सकता है,
किसान वैरायटी भी निकाल सकता है। सो टेक्नोलॉजी और खुद का मार्जिनल फार्मर का पर्टिकुलरली, क्योंकि उसको हर एक पौधा उसके लिए कीमती है। बिग फार्मर के लिए चार पौधे मर गए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 टन कम हो गया 150 एकड़ में तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये बेचारे का 1 टन कम हो गया तो उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए हम अच्छी टेक्नोलॉजी देने का प्रयास करेंगे और ये मार्जिनल फार्मर की उन्नति में ये विद्यापीठ काम करेगा। इतना ही कह के मैं फिर से करूंगा, अभी आज हमारे महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा का विसर्जन है, तो मैं बाप्पा से फिर से एक बार प्रार्थना करूंगा कि आप जा रहे हो फिर अंतिम साल आने के लिए, लेकिन जाते जाते जितने भी विघ्न है, जितने भी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है, उसको साथ में लेके जाओ और उसको डुबाओ और आओ फिर से। थैंक यू वेरी मच। So thank you sir, thank you very much for sharing your experience with us as a farmer.